शिनचैन चॉप जल्दी से करो ना। अरे पहले कम से कम बता तो दो कि जाना कहाँ पर है। अरे यार मैं सब कुछ बताता हूँ ना, पहले आके गाड़ी में तो बैठो। अरे ये क्या बात हो गई? चॉप तू बैठ रहा है कि नहीं? अच्छा ठीक है रुको बैठता हूँ। अभी तो बताओ कि कहाँ पर जा रहे हो। तो सुनो मेरी बात, आज हम लोग जा रहे हैं एक निंजा मास्टर से मिलने। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो कभी किसी निंजा से मिला भी नहीं हूँ। क्या बात कर रहा है यार शिनचैन, तू तेरे भाई के बाजू में बैठा है, तुझे याद नहीं मैं पहले निंजा बन चुका हूँ? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब पहले ढंग से इंसान तो बन जाओ बाद में निंजा बनना, तेरा मतलब क्या है? अरे उसके बोलने का मतलब है कि आप बंदर जैसे दिखते हो। चॉप ये उसके बोलने का मतलब है कि तेरे बोलने का? अरे अरे ध्यान से। मैं तो ध्यान से चला रहा हूँ पर तूने अच्छी तरीके से बात को घुमाया। अरे ये हम लोग कहाँ पर आ गए? शिनचैन यही तो वो जगह है जहाँ पर हमें वो मास्टर मिलेंगे। अरे यहाँ तो सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे निंजा है। मास्टर जी नई ट्रेनिंग दे रहे, अब जल्दी से उतरो दोनों जन। मास्टर जी यहाँ पर। अबे यार ये तो सुन ही नहीं रहे। अरे ये तो एक बुढ़े अंकल है। ये किसने मुझे बुढ़ा बोला? फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो भी इस समय? अरे बहुत टाइम हो गया था आपसे मिले, मैंने सोचा आज मैं मिलने आ जाता हूँ और साथ में इन दोनों को भी मिला देता हूँ। इन दोनों को भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं भी एक बार निंजा बना था। हाँ उसमें इन दोनों की गलती तो नहीं है, वैसे तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। वैसे ये दोनों है कौन? इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरा नाम चॉप है और मैं बहुत ही प्यारा कुत्ता हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मेरा नाम शिनचैन नोहरा है और मैं 5 साल का हूँ। अरे ये दोनों तो बहुत ही मजाकिया लग रहे हैं, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अरे मास्टर जी मुझे तो लगता है आपके रिटायरमेंट की डेट आ गई है। अरे बच्चे ऐसी बात नहीं है, मैं एक निंजा हूँ, मैं शरीर से भले ही बुढ़ा हो गया हूँ पर मेरा दिमाग अभी भी उतना ही तेज है। वही तो, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं इनको कि निंजा कैसे बना जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरी इन दोनों को सुनाएं। अरे उसमें तो बहुत सारा समय चला जाएगा। अरे तो हमें जाना ही कहाँ पर है, हमारे पास तो करने को कुछ है भी नहीं। अच्छा ठीक है रुको सुनाता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं 3 साल का था, मैं एक मामूली सा बच्चा था। अरे नहीं मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, मम्मी मुझे बहुत चिल्लाएगी और कल खेलने के लिए भी नहीं भेजेगी। 1 मिनट, ये कैसी आवाज थी? ये तो इतना इतनी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत में है। जल्दी जल्दी जाके देखता हूँ। अरे ये क्या, ये तो निंदा है और ऐसा लग रहा है कि ये किसी डीमन से फाइट कर रही है। पर ये डीमन तो इसको बहुत मार रहा है, मुझे कुछ करना होगा। बच्चे यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे खेलने के लिए सही जगह नहीं है, अभी निकलो यहाँ से। अरे ये दीदी बोल तो सही रही है, मैं बताता हूँ मैं कल ही क्या सकता हूँ, पर मुझे कुछ तो करना होगा जिससे दीदी की मदद हो सके, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 1 मिनट, ये तीज अपने काम आएगी। जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ, अब तो मैं उस दीदी को बता ही लूंगा। जल्दी 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 जल्दी, मुझे तैसे भी कल के इसको हिलाना होगा। एक काम करता हूँ इसको नीचे से उखाड़ देता हूँ, ये ले। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। अरे बापले वो डोलते लगी, मुझे कोई चीज चाहिए जिससे मैं इसको तोल सकूँ। यहाँ पर तुझ तो होता। अरे वाह ये चीज मेरे काम आई थी, जल्दी से जाके इसको उठा लेता हूँ। अब तो ये दे या, ये ले। अरे वाह ये तूत लाए और ये दे या, एक बार फिर से मारता हूँ। अरे यार तू भी जा। बात है आखिरकार मैंने कल ही दिखाया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। तुम आ लेता तैसा ही होना चाहिए था गंदे दीमन। अब तब तक पहली बात तो ये कि आप मुझे बताएंगी कि यहाँ पर तल क्या लाए? नहीं बच्चे मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वो भी अभी। अले नहीं ये क्या हो दिया? और ये मैं तापलू वहाँ पल तो इतनी निंदा थी, ये दूतला वाला कहाँ से आया? और ये दगा कौन थी है? इतने देख के तो लगता है ये कोई निंदा टेम्पल है, पर ये इतना ज्यादा थूप चूलत है, इतने देख के तो मेरे को मदा याद दिया। अब ये बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे पहुँचा? चिंता मत करो मैं ही इसे यहाँ पर लेके आई हूँ, मुझे लगता है इसी बच्चे को चुना गया है, तभी वो सारे डीमन अर्थ पर अटैक कर रहे हैं। मैं पर चुना गया हूँ क्या? आप लोगों को पक्का भलोता है? इसे चुना गया उसका डायपर इतना गंदा होता? अगर ये बात सच है मुझे कन्फर्म करना होगा। अनफॉर्म? क्या अनफॉर्म? हमें इसे फर्स्ट ट्रेनिंग में भेजना होगा जो कि एक चुना गया बंदा ही कर सकता है। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? अले बापले मैं तो ऊपर कहते आ गया, मैं गलती से यहाँ गिरना जाऊँ, मुझे ध्यान लगाना होगा, उसने कहा था कि मैं चुना गया हूँ। अले वाह क्या बात है, मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब वो लोग तही थे, अब मुझे तो ही नहीं लग सकता। बापले ये आवाज कितनी थी? अले ये तो एक ड्रैगन है, बोलिए मेरी तरफ क्यों आ रहा है? नहीं बापले क्या हो दिया, मैं तो नीचे की तरफ गिर रहा हूँ। वो गिर रहा है, हमें उसे बचाना होगा। नहीं रुक जाओ, जो हो रहा है होने दो, उसे उसकी असली पावर का एहसास होना चाहिए। असली पावर? ओके हाँ, वो है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे खुद पर भलोता लगना होगा, तुम बस देखते जाओ। अली वाह क्या बात है, मुझे भलोता नहीं होला, मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसे ही चुना गया है। अच्छा ठीक है मेरे को चुना गया है, पर इसके आगे क्या करना है मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना होगा, अब हम रुक नहीं सकते, हमें जो करना है जल्दी करना होगा। आज से ठीक 99 ईयर बाद सारे डीमन मिलके एक साथ अर्थ पर अटैक करेंगे, हमें उस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। अरे बापले तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है। थोड़े बड़े हो जाओ फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू।
कितने साल हो गए मुझे ट्रेनिंग करते हुए, और सच्ची मेक निंजा की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। पर आज जो इन लोगों ने मुझे बताया है उससे मुझे एक ही चीज पता चली है कि आज का चैलेंज बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। तो प्लीज मास्टर मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। एक निंजा खाली अपने ब्लेड और फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं जाना जाता, उसे सारे एलिमेंट को कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हें अपनी पावर को बाहर निकालना होगा, क्योंकि तुमने अभी नहीं निकाला कभी नहीं निकल पाओगे। अरे पर मैं करूंगा क्या, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज जो चैलेंज देंगे वो तुम्हें पूरे करने होंगे। एक निंजा को हर स्ट्रॉन्ग से लड़ना आना चाहिए, सर्वाइव करना आना चाहिए। जब तुम इस स्ट्रॉन्ग के तीन फेज को सर्वाइव कर लोगे तब समझ जाना कि तुम में वो पावर आ गई है। तो तैयार हो जाओ क्योंकि फेज वन है अर्थक्वेक। अरे नहीं, ये अचानक से भूकंप कहाँ से आ गया? जमीन तो बहुत जोर जोर से हिल रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चारों बाजू अंधेरा छा गया है, पर मुझे इस टेस्ट को पास करना ही होगा। तो मैं जल्दी से भागना शुरू करता हूँ। जरा ध्यान से देखो, ये सारी कारें भी हिल रही है, मुझे इनसे संभल के भागना होगा। अरे नहीं, ये क्या, ये सारी की सारी तो ब्लास्ट हो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है, मुझे बस ये सब झेलना है, मुझे बस मरने से बचना है। अगर मैंने ये सब सर्वाइव कर लिया तो मेरा फेज वन कम्प्लीट हो जाएगा, बस कैसे भी करके मैं यहाँ पर टिक जाऊँ। अरे बाप रे, भूकंप बहुत ज्यादा जोर से आ रहा है, सारी की सारी गाड़ियाँ हवा में उछल गई, मुझे तो ये सब देख के ही डर लग रहा है। अरे बाप रे, चलो बार बार बचा, मुझे तो लगा था ये मेरे ऊपर ही आ जाएगा, मुझे तो ये सब देख के ही डर लग रहा है, सारी गाड़ियाँ बस ब्लास्ट ही हो रही है। अरे बाप रे, ये ट्रक कहाँ से आ गया, भाग भाग जल्दी भाग। चलो बार बार बचा, पता नहीं ये सब कितनी देर चलेगा। चलो फाइनली ये सब पूरा हुआ, फाइनली मैंने फेज वन कंप्लीट कर ही लिया, अब पता नहीं फेज टू क्या होगा। तो नहीं, फेज टू तो सुनामी है, इससे पहले वो यहाँ तक पहुँचे मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं उससे बच सकूँ। एक काम करता हूँ, किसी बिल्डिंग पर जाके चढ़ जाता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कोई बिल्डिंग मुझे बचा पाएगी जब तक कि वो बहुत ज्यादा ऊँची ना हो। मिल गई, ये बिल्डिंग मुझे बचा सकती है, मेज बैंक, ये इस डायमेंशन की सबसे ऊँची बिल्डिंग है, मुझे बस जल्दी से उसके पास जाना है। ये रही वो बिल्डिंग, जल्दी जल्दी इस पे चढ़ना शुरू करता हूँ। सुनामी काफी ज्यादा नजदीक पहुँच गई है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगी। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, अरे बाप रे, पानी तो ऊपर आता ही जा रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा, फटाफट फटाफट फटाफट, बस कुछ ही देर की बात है फिर मैं ऊपर पहुँच जाऊंगा। पानी तो ऊपर आता ही जा रहा है, मैं हार नहीं मान सकता। एक काम करता हूँ, जंप लगा लगा के जाता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। आउच आउच आउच, फाइनली मैं ऊपर पहुँच गया हूँ। निंजा, अगर तुम सुन रहे हो तो मैंने ये फेज कम्प्लीट कर लिया है, अब तुम सुनामी को खत्म कर सकते हो। चलो फाइनली सारा पानी गया, अब पता नहीं फेज थ्री क्या होगा। ये दोनों फेज तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, तीसरा वाला पता नहीं कितना खतरनाक होगा। ये सब क्या है, तीसरा फेज मीटियर शावर है, अब पता नहीं मैं ये कैसे सर्वाइव करूंगा। ये तो कहीं से भी गिर रहे हैं, जरा देखो तो सही आसमान में। अरे बाप रे, कितना जोर जोर से गिर रहे हैं। एक मिनट, वो प्लेन यहाँ से निकल गया, मतलब अगर मैं इस हेलीकॉप्टर में गया तो मैं बच सकता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ, ये मैं चला, मुझे डर लग रहा है पर जाना तो होगा ही, फटाफट चला जाता हूँ अंदर। चलो फाइनली इस हेलीकॉप्टर के अंदर तो आ गया हूँ, अब मुझे बस इस चीज को सर्वाइव करना है और इन मीटियर से बचना है, उसके बाद मेरा फेज थ्री भी कम्प्लीट हो जाएगा। ये सब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये मीटियर भी कितने ज्यादा बड़े बड़े है, कहीं एक दो मुझ पर ना गिर जाए, ये बस संभल के काम लेना है। थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, अरे नहीं बाप रे, एक मीटियर तो मुझे सीधा लग गया, मेरा तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। एक काम करता हूँ, उस साइड से जाता हूँ, इस साइड कुछ ज्यादा ही मीटियर गिर रहे हैं, यहाँ तो चारों बाजू तबाही मची हुई है, बस थोड़ी देर और। ये क्या, सारे मीटियर चले गए और फिर से उजाला हो गया, मुझे लगता है मैंने तीनों फेज कम्प्लीट कर लिए है, अब जल्दी से नीचे उतरता हूँ। वाह, काबिले तारीफ, अब तुम अपनी पावरों का सही जगह इस्तेमाल कर सकते हो, पर जो करना संभल कर करना। अरे वाह क्या बात है, मेरे पास पावर आ गई है, पर मुझे उसे ट्राई तो करना ही होगा, पता नहीं कौन सी पावर आई होगी, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये और ये, अरे वाह क्या बात है, मैं तो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि ये फायर, कितना ज्यादा कूल है। अब देखते हैं दूसरी पावर क्या है, यहाँ पर कोई तो सिगरेट पी रहा है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, अब इनकी बुझाता हूँ। ये लो, वो वाटर। तुम्हारी ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाने का समय आ चुका है, तुम्हें इस पहाड़ के टॉप पर जाना होगा, वहाँ पर एक अंडा रखा हुआ है जो कि एक ड्रैगन का है, तुम्हें उसे चुरा कर मेरे पास लाना है। अच्छा ठीक है, बस वो अंडा ही चुराना है ना, इतना तो मैं कर ही लूंगा। जल्दी जल्दी इस पहाड़ के टॉप पर जाता हूँ, मुझे बस ध्यान रखना हो कि उस ड्रैगन को पता न चले, वो यही कहीं पर होना चाहिए। मैं एकदम ऊपर पहुँच चुका हूँ, पर मुझे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आवाज नहीं करनी है। वो रहा वो ड्रैगन, वो तो अभी सो रहा है, और वो रहा वो अंडा, मुझे एकदम दबे पाँव चलना होगा, तभी उसे पता नहीं चलेगा। नहीं, बार बार बच्चे, उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं गया, मुझे एक एक कदम बहुत ही संभल के रखना होगा, एकदम आराम 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 से कहीं उसे पता न चल जाए ये रहा वो अंडा। मैं पहुंच ही गया हूं बस, वो ड्रैगन तो अभी भी सो रहा है, जल्दी से इस अंडे को उठा लेता हूं, और ये अंडा मेरा हुआ। अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, जल्दी जल्दी निकलता हूं। आराम से। चलो अभी तक उसे पता नहीं चला, मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से जाके ये अंडा मास्टर को दे देता हूं। आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। ये तुमने क्या किया?
दिया, मैंने कितनी मेहनत से वो अंडा लिया था, ये लो और ये खाओ। पूरी मेहनत कचरे में डाल दी। अरे नहीं, ये कैसी आवाज थी? लगता है ड्रैगन को पता चल चुका है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है। मुझे लगता है इसे पता चल गया कि मैंने इसका अंडा चुराया था, पर मैं इसे कैसे समझाऊं कि वो अभी मेरे पास नहीं है, वो कहीं पर गिर चुका है। अगर मैंने इसे ये बताया तो ये और ज्यादा भड़क जाएगा। ये तो गुस्से से आग बबूला हो गया है, ये सब कुछ जला देगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैंने वो अंडा मास्टर को नहीं दिया तो मेरा ये टास्क पूरा नहीं होगा। मुझे बस इसे कैसे भी बच के यहाँ से निकलना होगा। बस समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं। अरे बाप रे, मेरे पीछे तो आग लग गई है। बुझा बुझा बुझा, प्लीज जल्दी से बुझा। वो जोर से झटके लग रहे हैं, ये तलवार भी बहुत गर्म हो गई है। एक काम करता हूँ, यहाँ से कूद जाता हूँ। वो अंडा उसी फैक्ट्री के साइड गिरा था, मुझे कैसे भी करके उस फैक्ट्री तक पहुँचना होगा। पर पहले ये ड्रैगन पीछा छोड़े तो ना, अगर ये ऐसे मेरा पीछा करते रहा तो ये मेरा पैराशूट जला देगा। इसे चकमा देना होगा। एक काम करता हूँ, और ज्यादा स्पीड में नीचे जाता हूँ। वो रही वो फैक्ट्री, हम लोग बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले है। वो अंडा पक्का वहीं पर होगा। जल्दी से नीचे उतरता हूँ। आउच 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 आउच, जल्दी से उठ जल्दी से उठ। अब जल्दी से जाके वो अंडा ढूंढता हूँ। अरे नहीं, यहाँ पर तो और भी सारे डीमन है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे। मुझे इन्हें खत्म करना होगा। ये लोग तो धीरे धीरे करके अर्थ पर घुस रहे हैं। हटो, ये लो तुम भी खाओ। जल्दी से इन्हें निपटाता हूँ। और ये लो, अब ये खाओ। बस सामने भी एक है, जल्दी से जाता उसके पास, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये रहा वो, आ जाओ हिम्मत है तो। और ये लो, ये भी गया। और कोई बचा है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एक मिनट, ये कैसी आवाज़ थी? ये तो ड्रैगन की परछाई है, ये यहाँ पर पहुँच गया। जल्दी जल्दी इन्हें मारता हूँ और वो अंडा लेता हूँ, इससे पहले कि ड्रैगन मुझे पकड़े। अबे उठा कहाँ पर है, ये ले। और कोई बचा है? वाह क्या बात है, ये रहा वो अंडा, आखिरकार मुझे मिल गया। मैंने उठा लिया है, जल्दी से जाके मास्टर को देता हूँ। बस वो ड्रैगन मुझे कुछ ना करे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। जल्दी जल्दी भागता हूँ। अरे यार, ये ड्रैगन तो मेरा पीछा ही कर रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने मतलब के लिए किसी माता ड्रैगन का अंडा ले रहा हूँ। ये उसकी माँ है, उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। अगर मेरा टास्क पूरा नहीं होगा तो चलेगा, पर एक माँ का दिल नहीं दुखा सकता। ये अंडा मैं वापस कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना माता जी? अरे यार, ये क्या हो रहा है? मैंने अंडा दे तो दिया, पर इसे देख के तो लग रहा है ये अभी भी गुस्से में है। तो ये मुझे खा ना जाए, पता नहीं ये करना क्या चाहती है। प्लीज मुझे छोड़ देना, मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे ये क्या हो गया, मेरी ब्लेड तो एकदम से बदल गई। अब ये ड्रैगन ब्लेड है, ये पक्का इस ड्रैगन ने किया है। मैंने इसका अंडा लौटा दिया, इसलिए शायद इसने मुझे ये ब्लेड दी होगी। यहाँ पर और भी डीमन है, इसकी पावर जाके उन पर ट्राई करता हूँ। यही कहीं पर होने चाहिए। कहाँ पर हो तुम लोग? अभी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ये रहे वो लोग। कैसे हो दोस्तों? मैं तुम लोगों को एक नई चीज दिखाने आया हूँ, मेरी नई निंजा ब्लेड। अब तुम्हें उसकी पावर दिखाता हूँ, अब लो मजा। ये हुई ना बात, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। अगर यहाँ पर इतने सारे थे तो कुछ ही सालों में बहुत सारे आ जाएंगे। और वैसे भी मास्टर ने मुझसे कहा था 99 ईयर में ये लोग यहाँ पर अटैक करेंगे। मुझे अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना होगा, तो जल्दी से टेंपल पर जाता हूँ। हमें इन्हें रोकने का तरीका ढूंढना ही होगा। अरे यार, मैं पूरी तरीके से बोर हो चुका हूँ। हम लोग कब से ये कर रहे हैं, हमें कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं पता हो। हम लोग 5 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। अपना मुंह बंद रखो बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, मेडिटेट करने से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। वो सब मुझे पता है, पर मुझे कुछ नया सीखना है। तो मेरी एक एडवाइस लो, हमेशा याद रखना, पावर से बढ़कर है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी पावर को हमेशा हरा सकती है। अच्छा ठीक है, पता नहीं मैं इनको क्या बोलूं और हमें ये कितनी देर करना होगा। मैं परेशान हो गया हूँ। अरे बाप रे, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया, ये तो हमारा डायमेंशन नहीं लग रहा। और मास्टर कहाँ पर गए, कहीं वो टेंपल के अंदर तो नहीं चले गए? जल्दी से जाके देखता हूँ, इसी के अंदर होने चाहिए। और ये मैं चला, अरे बाप रे, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये तो कोई और ही दुनिया लग रही है। और ये चचा कौन है? मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो कि इस दुनिया में बहुत सालों से फंसा हुआ है। पर एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैं एक निंजा हूँ जो कि एक निंजा मास्टर बनने वाला है। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है तुम लोगों के बारे में। इस दुनिया में जो शैतान रहते हैं वो तुम्हारी दुनिया को मुसीबत में डालने वाले हैं। अरे यार अंकल, मैं आपको क्या बताऊँ, इसलिए तो मैं निंजा मास्टर बन रहा हूँ। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनको रोकूंगा कैसे, क्योंकि मैं अभी भी एक ट्रेनिंग में हूँ। मेरी बात सुनो, ये दुनिया एक स्पिरिट वर्ल्ड है, हमारी दुनिया के डायमेंशन से अलग। और मैंने यहाँ रहते हुए बहुत कुछ सीख लिया है, इनसे बचने का तरीका और इन्हें हराने का तरीका। मेरे पास एक चीज है जिससे तुम उसे हरा सकते हो। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि वो शैतान हमारे काफी नजदीक। अरे ये कहाँ पर चले गए, अभी तो यही पर थे। ओ नहीं, ये तो डीमन है और इसने तो अंकल को किडनैप कर लिया। मुझे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा। उन्हें ही पता है कि मैं उस अटैक को कैसे रोक सकूंगा जो कि 99 ईयर में होने वाला है, और मैं ऐसे उन्हें लेके जाने नहीं दे सकता। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आउच आउच आउच, ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, यह सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। अरे नहीं, ये क्या, उस डीमन ने तो अंकल के बहुत सारे क्लोन बना दिए ताकि वो मुझे चकमा दे सके। अब मैं पहचानूंगा कैसे कि इसमें से असली कौन सा है? अब बस एक ही तरीका है, ये रही मेरी तलवार। एक एक को जाके देखता हूँ, ये असली वाले नहीं हो सकते। ये लो, क्या तुम असली हो? ये लो, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई असली है, पर मुझे ट्राई करते रहना होगा। अब ये खाओ, अभी भी बहुत सारे है। ये गया एक, और अब इसकी बारी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड ब्रेक हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। अरे ये क्या, छोड़ो मुझे। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी भागता हूँ। ये सारे अंकल तो मॉन्स्टर में बदल गए।
गए। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जल्दी जल्दी भागते हैं यहाँ से। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। मुझे अंकल की जरूरत है। अगर मैंने अंकल को नहीं बचाया तो फिर मुझे कोई नहीं बताएगा कि उस अटैक को कैसे रोकना है। वो बस उनको ही पता है। मुझे लगता है वो इस चर्च में होंगे। जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे जो करना है बहुत जल्दी करना होगा। वो सारे मुर्दे मेरी तरफ आ रहे हैं। इस गेट के अंदर जाता हूँ। वो रहे अंकल, आखिरकार मुझे मिल ही गए। पर ये क्या, अंकल तो वहाँ पर ही है पर वो एक डीमन के कब्जे में है। अब मैं उनको कैसे बचाऊंगा? अगर मैं सामने से गया तो वो अंकल को मार देगा। मुझे कुछ तो सोचना होगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, मुझे समझ में आ गया। ये लो, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। मास्टर ने सही कहा था, स्ट्रेटेजी हमेशा पावर से ऊपर होती है। शुक्रिया बच्चे, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली, वरना ये मुझे मार देता। अरे कोई बात नहीं अंकल, ये लो वो चीज जिससे तुम उसे हरा सकते हो। ये क्या है? ये तो किसी टाइप का मेडेलियन लग रहा है। ये क्या, ये धरती तो फिर से हिलने लगी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं यहाँ पर हूँ इसलिए यहाँ पर ये सब हो रहा है। जल्दी से अपने डायमेंशन में जाता हूँ फिर से। बापा रे ये कमर, ये बुढ़ापा बहुत ही ज्यादा जालिम है। आउच आउच ये हड्डियाँ, ऐसा लग रहा है मैं अभी मर जाऊंगा। जब से इस दरवाजे के बाहर निकला हूँ उसके अंदर टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट जाता है। मैं अपने 99 ईयर में वहाँ से बाहर निकला हूँ, पता नहीं अब यहाँ पे क्या चल रहा होगा। अब जल्दी से नीचे जाके देखता हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है इन्वेजन शुरू हो चुका है। सारे डीमन धरती पर आ गए और उन्होंने मेरे मास्टर को भी कैद कर लिया है। मुझे कुछ तो करना होगा। जल्दी से जाता हूँ। उठ जा उठ जा उठ जा, ये रहे वो सारे डीमन, इससे पहले कि ये अटैक करे मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरे पास ये ड्रैगन ब्लेड है और अब तो मेडेलियन भी है। मुझे इन दोनों की पावर का साथ में इस्तेमाल करना होगा। इन दोनों को एक साथ मिला देता हूँ। आउच, चलो फाइनली इन सबको मैंने हरा लिया। अब बस एक काम बाकी है, जाके अपने मास्टर को बचाना। जल्दी से जाता हूँ। ये रहे वो दोनों जन। अरे बाप रे, आवाज कैसी, ये तो इसी साइड से आ रही है। ये धरती तो फिर से हिलने लगी। लगता है स्पिरिट वर्ल्ड से कोई और भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे नहीं, ये क्या है, इतना बड़ा मॉन्स्टर। अरे बाप रे, ये तो आते ही तबाही मचा रहा है। मुझे लगता है ये खास मुझे मारने के लिए आया है। इसे पता है कि मैं ये सब रोक सकता हूँ। मुझे कुछ भी करके इसे हराना होगा। पर ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे नीचे उतार, छोड़ दे। इसकी आग भी कितनी ज्यादा बड़ी है, इसे देख के ही मुझे डर लग रहा है। आउच 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 आउच। मैं इसे हार नहीं मान सकता। मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग को याद करना होगा। आज तक मैंने जो भी पावर हासिल की है मुझे उन सबका एक साथ इस्तेमाल करना होगा। मैं ऐसे इसे हार नहीं मान सकता। फिर अंत आ गया है मॉन्स्टर। ये लो, आखिरकार मैंने इसे हरा ही लिया। ये कभी मेरा सामना नहीं करेगा और स्पिरिट वर्ल्ड में किसकी हिम्मत नहीं होगी जो यहाँ पर आए। यहाँ पर मैं बैठा हूँ। आप दोनों ठीक तो हो ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। वाह क्या बात है मास्टर जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं मास्टर? हाँ, अब आप हमारे शिष्य नहीं रहे, आप हमसे ऊपर हो चुके हो। आज से आप हमारे मास्टर हो। ये जगह इतिहास के पन्नों में आएगी। यहाँ पर जो हुआ था सब लिखा जाएगा और आपका नाम गोल्डन वर्ल्ड में लिखा जाएगा। अब से सारे निंजाओं के लिए आप एक मास्टर हो। ये सब तो ठीक है पर हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें वो तैयारी करनी चाहिए जिससे हम बाकियों को भी रोक सके। कब कौन सी मुसीबत आ जाए कुछ पता नहीं। अरे बाप, की स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हाँ फ्रैंकलिन भैया एकदम सही बोलते थे, आज से आप ही हमारे मास्टर हो।